वेलकम बैक मेरी न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम मिर्च का अचार डरवा लें दादी जी के साथ में। अभी वो धो के सुखा दिए मैंने मिर्च, सुखा के अभी उनका नरका जो है ना वो कट 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 अलग अलग कट 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 के कैची से अलग कर दिया वो मैंने। तो इतने सारे कपड़े धोए मैंने, अभी नहीं सॉरी दादी ने धोए दो। तो ये मैं अंदर कमरे में आ गया यार, मैं क्या लेने आया था। हाँ हाँ यही बताओ, मैं डरवाऊंगा मिर्च को अचार। ये कहा है खटाई, गाय से खटाई है बुआ जी के यहाँ से आई है। कहाँ वहाँ से लिया पलना तेने का दुकान में से। सौंप रखते तो मजा हो गई। कैसी होते सौंप? सौंप को मैं दे दी हो नहीं, मैं आता डाल दी सौंप दे दी नगर आओ तो मेरी ये कच्ची ना। जी क्या जी जी जी। तो गाइस मिल गई सौंप, वो तो छुपी है, वो छुपी ना तो जाके बस जा। मैं क्या डरते हैं की चुंगी ना जन्म तेरे मिलो ना ही जा की चुंगी भाई। तो देख जी के बोल है का नव को और और ना पास हो गई जी ना जा। जन की यूट्यूब में चल बीच में थे और लंबी करके सी ना यार। तो गाइस मैं इनको चीर देता हूँ, मिर्च को अचार डलवाना है वो दादी। तब तक सोचती सही में कितने पैसे गए? कितने पैसे गए? 30 के उतार दूँ या मैं डार दे तब तक मैं जिन्नी छीड़ दूं। ये लाती मंडा है क्या फेद हो गया पूरा का? ये तो फेद मैं सुनो था हो तो दीप भी अब ना सर तो गाइस इनको मैं बीच में से चीर रहा हूँ। देखिए अचार डलवाना अचार, देखिए दो फाँक कर दी मैंने इसकी। देखिए वैसी तो करनी है, हैं अलग करते अलग ना है अलग सही ना रहती। अलग कर दूं तो अलग कर दे रहा हूँ। सौंप सूख गई सूखी सुखाई है जी। गाइस मैंने इतनी मिर्च छील दी है, मिर्च छील के मैं मिलता हूँ आपको, ठीक है? ओके। तो गाइस मैंने तो ये छीट दिया पूरा, जगह लाया इसमें लाया डाल दिया, सौंफ डाल दिया, अभी काटन ना अब तो है जाएगी।
इसमें लाया डाला है, सौंफ डाली है और इसमें अभी तेल डालना बाकी है बस। लो मैं खड़ी कर तुझे लेके आती हूँ। गाइस हमारे यहाँ पे इतना लाया है बस अचार डालने के लिए कभी कभी, तो अभी इसमें क्या है, इसमें अभी इतनी सौंफ रह गई है, अब बस इतना इसमें मसाला वगैरह लग गया है, अभी तेल भी क्या है मिला वो आते हैं। इसमें तेल डल रहा है, देखिए कहाँ है, हम तो देव 9:30 बीच उड़ा बहुत बहुत। अब इसे अच्छे से मिलाएंगे, नमक डाल दो, इसमें नमक डाला है, नमक इसमें नमक डल गया और तेल डल गया, सब चीज हो गया, अभी भी मिक्स कर देंगे। पूरी नीचे तेल है, सौंफ पोंफ सब को तेल डालना, अभी मैं तो भरा रुको जा, मिक्स मिला लेना थे नीचे थे, नीचे थे सौंप भी जाएंगे। तो गाइस देख रहे हैं आप इस तरीके से मिलाया जा रहा है, ये चार बिल्कुल बहुत ही अच्छा लग रहा है। सौंपने को डाल दादी सब जी इस तरीके से इस डिब्बे में भर देंगे इसको। आराम से जम डाले डिब्बा, चार डल के रेडी हो गया है, अब बस इसे भरना उसमें तेल और ऊपर से थोड़ा सा डालने के लिए बस बाकी है, फिर अचार हमारा रेडी हो जाएगा पूरा। यार जब सब रस मिट गई है यार, कटाई करने पूरे कटाई गई कोरे ले जाऊं नीचे से खंभा है वो भी ठीक है, और धान भर के काम यही यही में रखी कटाई धान में, बस अब तेल डाल दें हम। इतनी सारी खटाई बस आम की बनाई थी पिछली बार, बुआ जी के यहाँ से आई थी। अब अचार रेडी होगा पूरा, इसमें तेल डालना बाकी है, फिर हमारा रेडी हो जाएगा पूरा। डिब्बा में का तेल होता है ना, यहाँ
अब ना कोई खतवा डर के बस बस बहुत बस तो इसको धक्कर लगा के मिला दूं दे का कद्दो है मसाला नहीं करे देगा वो ये बोलो ना खाली पल्ला छाना ना कहती फिर छान लियो अब इसको फैलाएंगे इसमें तेल मिल जाएगा ढंग से गाइस हमारा अचार डलकर रेडी हो गया है बिल्कुल इस तरीके से देखिए किस तरीके से अचार डला है बहुत ही अच्छा लग रहा है दूध देखने में तो अब वैसे टेस्ट करना होगा कि इसको खुशबू अच्छी आ रही है यहाँ पे ऐसे अचार में खुशबू अच्छी आती है एक हमारे बुआजी के यहाँ पे गाजर का शायद गाजर और मूली का वो मुझे जब जाता हूँ मैं तब हर बार मतलब देती है वो मुझे मैं खा जाता हूँ सारा अच्छा लगता है मुझे अब इसको अचार को अंदर रख कर आते हैं और चलिए समेट इनको समेट कर रखते हैं अजवाइन है जी गैस ये बाकी मिर्च देख रहे हैं आप हमने 8-10 मिर्च बचाई हुई हैं शाम को इसको छोंकेंगे ठीक है खाएंगे इसके साथ अभी मसाला नहीं कुछ में लगा देते हैं यार लगा लग गई मिर्च इसी पे रख देता हूँ चक्कू को मैं अंदर रख देता हूँ मसालदानी मिर्च रखी पहला रख दियो ये तो गाइस पूरा रेडी हो गया है बस ये भर के रख दिया तो गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें फॉलो करें सब्सक्राइब करें मैंने यहाँ साथ में मिर्च का अचार डलवाया था दादी जी के साथ में तो कौन कौन ऐसा अचार वगैरह ये सब काम करता है घर के तो मेरे को बताइएगा कमेंट में तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें फॉलो करें सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में बाय।